हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका देसी स्वाद में। आज मैं आपके लिए अमृतसर की फेमस पनीर भुर्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये पनीर भुर्जी की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फिर बनाते हैं। बाउल में हम 2 कप रोस्ट करा बेसन लेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला लेंगे और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लेंगे। अब इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच सरसों का तेल गरम करके फिर उसको इस्तेमाल करना है, और स्वाद के अनुसार नमक लेके इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप एक बार इसको घर पे बना के देखिए, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। घर में बच्चे हों आप इसको ये बना के खिला दे सकते हैं, बच्चे भी ये बहुत पसंद करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब एक पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा लेंगे। जीरा को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम 6 से 7 लहसुन को काट कर डालेंगे और 1 ग्रीन चिली लेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। आपको ये सब मीडियम फ्लेम में ही बनाना है। अब आप देख सकते हैं लहसुन हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम 2 प्याज बारीक काट कर डालेंगे और प्याज को भी लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज का जब हल्का सा रंग गुलाबी होने लग जाए फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा रंग चेंज हो गया है, हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी आप बारीक काट लीजिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही आपको ये बनाना है, तभी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट तैयार कर रखा था वो डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आपको इसको डालने के बाद लगातार चलाना है, क्योंकि इसमें हमारा दही पड़ा हुआ है। दही को हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में पकाना है, क्योंकि इससे दही फटेगा नहीं। अगर आप लगातार दही को नहीं चलाएंगे तो फिर दही फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें हम जो कटोरी में थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें पानी डाल के वो भी इसमें डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसमें हम पनीर को मैश करके डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप पनीर का इस्तेमाल कर रखा है। आप एक बार ये घर पे ज़रूर बनाइएगा, आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपको इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है।
अब इसमें हम एक टुकड़ा बटर का डाल देंगे। अब ढक्कन लगा के इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। अब आप देख सकते हैं हमारा अमृतसरी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। ऊपर से हरा धनिया डाल के आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से आधा नींबू काट के डाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व करिए।